गुड मॉर्निंग क्लास फोर। बेटा पनोरमा की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 10, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कैसे हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनके जन्म के बारे में स्टोरी है। देखिए हुआ ये कि ये धरती माता, पृथ्वी माता कह लीजिए, धरती माता कह लीजिए, ये परेशान हो गई थी कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। ठीक है, पाप बहुत बढ़ गया है, तो भाई कुछ ऐसा हो, किसी ऐसे का जन्म हो जो पापियों का नाश करे। तो भूदेवी ने लॉर्ड ब्रह्मा की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, ये होगा कार्य आपका। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया ब्रह्मा जी को कि ठीक है, मैं स्वयं जन्म लूंगा पृथ्वी पर और बुराइयों का नाश करूंगा। उस समय मथुरा में कंस नाम का राजा था, जो काफी कहना चाहिए क्रूर स्वभाव का था, यहां तक कि प्रजा बहुत भयभीत रहती थी उससे। उसकी एक बहन थी कंस की, देवकी, देवकी को मानता था, बहन थी उसकी। लेकिन हुआ ये कि देवकी का विवाह हुआ, और ये देवकी का विवाह जब हुआ वासुदेव से, तो देवकी वासुदेव को लेकर के वो जा रहा था रथ पर कहीं, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी हुई किसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, यानी कंस का वध होगा। किसके द्वारा? देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा। अब ये क्रूर तो था ही, जब ऐसी बात इसने सुनी तुरंत तलवार निकाला और सोचा कि अभी देवकी और वासुदेव को मैं जान से मार दूं। लेकिन वासुदेव ने प्रार्थना की कि नहीं ऐसा मत करिए, और जो भी पुत्र होगा, जन्म लेगा देवकी के गर्भ से, जो भी पुत्र जन्म लेगा, मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, फिर आपको जो मन करेगा आप करिएगा, भाई आप उसे जान से मार दीजिएगा। कंस मान गया, बोला ठीक है, और कंस ने देवकी वासुदेव दोनों को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ देवकी को, कंस आया, वहीं पे आया जहां जेल में थे लोग, और वहीं उसने वध कर दिया नवजात शिशु का। इस तरह से 6 पुत्रों को ऐसे मार दिया। 7वें पुत्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु ने योग माया से प्रार्थना की कि 7वां गर्भ जो है वो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ, और रोहिणी ने उस गर्भ को जन्म दिया जिसका नाम बलराम रखा गया। बलराम को आप जानते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, तो वो रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। खैर उसके बाद जब 8वां पुत्र गर्भ में आया, तब देवकी वासुदेव दोनों चिंतित अपने भाग्य पर रो रहे थे, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग घबराओ मत, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक करूंगा। हाँ, जब बच्चे का जन्म होगा तब तुम इसको यमुना नदी पार करके
नंद बाबा के यहाँ लेके जाना। नंद जो थे ग्वाले थे, बहुत सी गायें थी इनके पास, ग्वाले थे। और उनकी पत्नी यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो ये पहले से इनको समझ में आ गया, भगवान विष्णु बता दिए वासुदेव को कि आप लेकर के जाइएगा और जो यशोदा जी का जो बेबी होगा उसको आप ले लीजिएगा और आपका जो बच्चा होगा उसको वहां पे रख दीजिएगा। यही बात हुई। रात्रि में अर्धरात्रि में जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का और उनको लेकर के ये चलने को हुए तो देखे कि पैरों में बेड़ियां हैं, फाटक बंद है जेल का, अभी कैसे निकले। लेकिन बड़े ही जादुई तरीके से इनके पैरों की बेड़ी हट गई अपने आप, दरवाजे खुल गए सब और ये लेकर के निकल गए बच्चे को। बहुत बारिश हो रही थी तो कई सिर वाले सर्प ने, देख रहे हैं फोटो आप लोग, बच्चे की रक्षा के लिए देखिए किस तरह से सर्प अपना सिर जो है वो कवर की तरह से लगा दिए हैं। एक ही सर्प था, कई सिर वाले, ठीक है, मल्टी हेडेड स्नेक। और ये वास्तव में थे कौन? शेषनाग थे, ठीक है। वासुदेव गोकुल पहुंचे, वहां भी देखिए ईश्वर की महिमा, दरवाजा खुला, ठीक है। ये गए और सारे जैसे कि नींद आ गई थी सारे वहां के जो भी पहरेदार लोग थे, जो भी लोग थे रक्षा में, ये गए बड़े आराम से। रात्रि का समय, बच्चा इन्होंने एक्सचेंज किया, ठीक है, मेल चाइल्ड रखे अपना और फीमेल चाइल्ड वहां से उठाए। वो बेबी गर्ल थी उनको, यशोदा को बेबी गर्ल, बेबी गर्ल को लिए, अपना बेबी बॉय वहां पे रखे। और जब वहां से निकले आए अपने यहां तो फिर पहले के जैसे हो गया, पैरों में चेन लग गई, जंजीर जो थी वो लग गई, दरवाजे बंद हो गए, सब हो गया पहले की। कंस आया, गया उस जेल के अंदर, सोचा कि चले बेबी को लेके मार दूं। जैसे ही वो सोचे बेबी को लेने की बात, हाथ में जैसे ही लिए वो बेबी जो है उनके हाथ से स्लिप करके चली गई आकाश में। और उस बच्चे ने कहा, बच्चा क्या, वो तो बच्ची थी, उस बच्ची ने रूप ले लिया योग माया का। और योग माया ने कहा कि हे मूर्ख राजा, मुझे मारकर क्या पाओगे, तुम्हारा नाश करने वाला तो ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुका है, तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है, तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। ऐसा कहकर योग माया तो देवी थी अदृश्य हो गई। कंस कुछ कर नहीं पाए और बात की कहानी आप लोग बेटा जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध बड़े होकर के किया और अपने पेरेंट्स को भी कैद से मुक्ति दिला दी, ठीक है। इस कहानी का मोरल ये है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हमें अच्छे रहना चाहिए, अच्छे नेचर का होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आंसर गया है, लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।